हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम रेजोनेंस करने वाले हैं इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो चलिए रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। भाई रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस आप लोगों ने झूला देखा है? और आपकी आवाज ब्लर सी हो रही है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है सही? यस सर। देखिए रेजोनेंस क्या चीज है, जैसे आप लोगों ने झूला देखा है, झूला, यस सर, झूला आगे पीछे जाता रहता है ना, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, रहता वही है, लेकिन आगे पीछे हिलता रहता है लगातार। तो वैसे ही होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक किसी केमिकल बॉन्ड के अंदर होता है, ठीक है, कोई केमिकल बॉन्ड होता है उसके अंदर रेजोनेंस होता है और वो झूले की तरह आगे पीछे घूमता रहता है। तो वो आखिर रीजन क्या है, मतलब दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक केमिकल बॉन्ड बनता है, ये सबको पता है? यस सर, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो एटम्स हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों आपस में शेयर हो जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी जाते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, लेकिन रहते दोनों के बीच में ही, लगभग ये यही रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस, और इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब कोई केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो केमिकल बॉन्ड जो है अगर वो घूमने लग जाए तो दो से ज्यादा एटम्स के बीच में, और वो वापस भी आ जाए वहीं पे, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। समझ में आ गया रेजोनेंस क्या है? सर एक बार और। देखिए दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, ये क्लियर है? यस सर। सिग्मा बॉन्ड होगा ऑब्वियस, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो सिग्मा बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड हो, क्योंकि जनरली पाई बॉन्ड में ही रेजोनेंस होता है, सिग्मा रेजोनेंस भी अलग होता है लेकिन वो अलग चीज है। तो पाई बॉन्ड अगर दो एटम्स के बीच में, चलो हम पाई बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, वो ज्यादा बेटर आपको क्लियर होगा, ठीक है। मान लीजिए दो एटम्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई, ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। एक और कार्बन है और उसके साथ एक और नेक्स्ट कार्बन है, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई है। तो मान लीजिए कि ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर आ जाए, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इधर आ जाए आपस में ऐसे, और ये ऐसे लगातार घूमते रहे तीनों एटम्स के बीच में, रिंग बन जाए एक, मतलब तीन एटम्स की, तीन कार्बन एटम्स की ऐसी एक रिंग बन जाए और उसके बीच में एक डबल बॉन्ड घूमता रहे, या तीन या चार जितने भी एटम्स हो, है ना। तो अगर ऐसा हो जाए, मतलब बॉन्ड अपनी लोकेशन को छोड़ दे और दूसरी लोकेशन पर चला जाए और फिर से अपनी लोकेशन पर आ जाए और ऐसा चलता रहे, जैसे झूला इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है, क्लियर है? Yes, sir. इसको बोलते हैं रेजोनेंस, मतलब झूले की तरह हमारा डबल बॉन्ड घूमने लग गया। किस एटम में घूमेगा, कैसे घूमेगा, क्यों घूमेगा, क्या रीजन है, कौन सी फोर्स की वजह से घूमता है, क्या वो अनस्टेबल होता है या वो स्टेबिलिटी को लीड करता है, ये सब रीजंस हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन रेजोनेंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा कोई डबल बॉन्ड जो है वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहता, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर घूमता फिरता रहता है। यस, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो यहाँ देखिए हमने डेफिनेशन लिखी है, फिनोमिना ऑफ डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस गाइज, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। एक लाइन में डेफिनेशन, यानी डी लोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपनी लोकेलिटी को छोड़कर दूसरी लोकेलिटी में चले जाना। यस, क्लियर है? यस सर। तो जो अपनी लोकेलिटी को छोड़कर दूसरी में चला जाए और फिर से अपनी लोकेलिटी में आ जाए, मतलब अपना मोहल्ला गली छोड़कर दूसरी गली में जाएगा, फिर से अपनी वापस गली में आ जाएगा, तो इस तरह से वो चलता ही रहेगा, लगातार चलता रहेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते हैं, ये सबको पता है? Yes, sir. लेकिन एटम में वो एटॉमिक ऑर्बिटल में घूमते हैं और वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को छोड़ते नहीं है, पता है ना सबको, उसी ऑर्बिटल में घूमते रहेंगे लगातार अगर हम छेड़खानी ना करें तो। और अगर मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में घूमते रहते हैं, बॉन्ड बन जाए तो, है ना। तो वो अपनी लोकेलिटी को नहीं छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं लोकेलाइज्ड बॉन्ड। लोकेलाइज्ड मतलब वो फिक्स है, अपनी लोकेलिटी में ही घूमेगा। लेकिन एक होता है डी लोकेलाइज्ड बॉन्ड। डीलोकलाइज का मतलब अब समझ में आया क्या होता है, मतलब वो अपनी लोकेलिटी को छोड़ देता है ना, और वो इधर उधर घूमता रहता है, तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। और उसी डीलोकलाइजेशन को बोलते हैं रेजोनेंस। यस, क्लियर हो गया रेजोनेंस क्या होता है? ठीक है, तो अब बात आगे बढ़ते हैं भाई जरा, ठीक है।
ये PF5 के बारे में ना, हाँ ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं ना, स्क्वायर पिरामिडल में बेंट रूल और बैरी स्यूडो रोटेशन, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं भाई, अब ये बोलता है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। मतलब क्या कह रहा है ये, मान लीजिए कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ये सबसे लंबा होगा केमिकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड सिंगल से छोटा होगा, क्यों, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रिपल बॉन्ड उससे भी सबसे छोटा, मतलब ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के सबसे पास हैं, ये दोनों थोड़ा सा दूर हैं और ये दोनों सबसे ज्यादा दूर हैं, तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, डबल बॉन्ड की छोटी है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे छोटी है, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है सिंगल डबल ट्रिपल। यस, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये बस उसी के बेस पर अब हम काम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जरा अभी क्या होता है, फिनोमिना इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, ये डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सीधा सीधा मेन चीज पढ़ेंगे, वो क्या है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू एटम्स। तो हम केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं दो एटम्स के बीच में, मतलब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम में तो वो ऑर्बिटल में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल में वो दो एटम्स के बीच में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। यस सर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। और डीलोकलाइज्ड का मतलब स्प्रेड अक्रॉस सेवरल एडजेसेंट एटम्स, जो पड़ोसी एटम्स होते हैं उनमें चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है, वो स्प्रेडेड रहते हैं, फैल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अब वाज डिवाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, फलाना धिमकड़ा पता नहीं क्या क्या है, सब बकवास है ये, ठीक है। रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, स्ट्रक्चर से बताऊंगा, और वो स्ट्रक्चर याद ही करने पड़ेंगे, कुछ भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला, स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। अगर नोटबुक है तो रफ नोटबुक अपने पास में रखिए, और अभी मैं जो बना रहा हूँ मेरे साथ बनाइए, उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद इसको फिर से देखिएगा, याद कीजिएगा, और फिर से बिना देखे बना के देखिएगा, बस इतना सा काम करना है। इसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए केमिकल बॉन्डिंग के, हम इसके एंड के नजदीक हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को, रेजोनेंस एक फिनोमिना और उससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, और उसको कैनोनिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, कैनोनिकल। यस, क्लियर है बेटा? यस सर, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्या कहता है, तो अब हम बात करेंगे अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है और सबसे मुश्किल भी है थोड़ा सा ये, ठीक है, बाकी के स्ट्रक्चर्स आसान लगेंगे, मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि हमने जो उठाया वो थोड़ा सा टिपिकल वाला स्ट्रक्चर उठाया, O3 का मॉलिक्यूल, O3 के मॉलिक्यूल के हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पहले से बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको इनका थोड़ा सा इस तरफ बना के दिखाता हूँ, O3 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड दूसरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, दो बॉन्ड हैं तो दो बॉन्ड बन गए, दो लोन पेयर बचेंगे तो इधर भी दो लोन पेयर बचेंगे। यस, क्लियर है सबको? यस सर। मॉलिक्यूल है, अब O3 कैसे बनता है, पहले O2 बनाइए, O2 नॉर्मल कंडीशंस में बन गया, अब एक ऑक्सीजन आती है, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके पास में तीन लोन पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके पास, यस सर, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, लेकिन ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते होते हैं, बट भाई ये ऑक्सीजन ऐसा नहीं करने वाली, क्यों, ये O2 का मॉलिक्यूल पूरा सेटिस्फाइड है कि नहीं है? यस सर, यस सर। इसके साथ ये शेयरिंग कैसे कर सकता है, नहीं करने वाला, तो ऑक्सीजन क्या करे बेचारी, ये क्या करती है, कोई शेयर कर लेगा लगता है, यस सर, ये मेरे साथ ले लेगा, सुन सुन, ये क्या करती है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, वो वैसे ही रहते हैं, वो बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, तो ये क्या करेगी, अगर ये ऊपर वाली ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, इसका दो लोन पेयर है ना इसके पास, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां रखा और एक यहां इसको दे दिया, तो ये बन गया इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस यस सर, तो इससे क्या फायदा भाई, और ऐसा क्यों होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही उठता है, ऐसा होता क्यों और इससे फायदा क्या है, तो इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, यस और नॉट? यस सर, यस सर, यस सर। और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज बन गया, यस सर। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन, जो डबल बॉन्डेड थी ये वाली, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रही है, बताओ जरा सर, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सबको यही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, एक तो इसने डोनेट किया, सुनिए सुनिए बेटा, एक इसने डोनेट किया, दूसरा इसने शेयर कर लिया, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के पास भी आ जाएंगे ना, यस सर, यस सर, यस सर,
एक तो परमानेंट आ गया और दूसरा इसने शेयर कर लिया, अब दूसरी ऑक्सीजन के क्या दोनों चले गए? नहीं नहीं, एक्चुअल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, और उसको वैसे ही समझना आसान भी है और याद करना भी आसान है। लेकिन कहा क्या जाता है, कहा यह जाता है कि इस ऑक्सीजन ने दोनों इसके छीन लिए, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के भी तो है ना, यस और नॉट? यस सर। ये इसमें भी शेयर्ड है भाई, तो यानी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर्ड है, तो हम कह सकते हैं ना कि एक ऑक्सीजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर है, ऐसा बोला जा सकता है? यस यस सर, यस सर, है ना? तो वो बोलना बिल्कुल सही है कि एक ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, बट यहाँ गड़बड़ हो रही है, शेयर एक नहीं हो रहा, ये वाली ऑक्सीजन तो क्या कर रही है, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, कर रही है ना दो दो इलेक्ट्रॉन? यस सर, दो, है ना, दो इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि बेचारी ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब हम कहेंगे सर डोनेट तो एक ही किया, लेकिन बेटा यहाँ पर एक डोनेट कर दिया, दूसरा शेयर कर लिया, तो दो डोनेट हो गए, है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया दो इलेक्ट्रॉन्स का इस ऑक्सीजन का, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका घंटा कंट्रीब्यूशन है, कुछ ही नहीं है इसका, इसके जीरो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। समझ कैसे भी लीजिए, याद कैसे भी कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि बोला क्या जाता है। समझ लीजिए कि इस ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन बोला जाएगा कि इसने दो से शेयरिंग की, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, एक सबसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। हम कहेंगे डोनेट तो एक ही किया, परमानेंट एक डोनेट कर दिया, लेकिन दूसरा शेयर कर लिया, शेयर वाला इलेक्ट्रॉन भी दूसरे एटम के पास जाता है, ये हमें अच्छे से पता है। यस यस सर, यस सर। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ और इसका घाटा क्या होगा। फायदा देखो क्या हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो ये वाली ऑक्सीजन के आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कि नहीं, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये वाले इसके दो बॉन्ड बना लेती, दो शेयर कर लेता, तो आठ हो जाते पूरे। लेकिन इसने क्या किया, इसने इनको ऐसे ही रख लिया, कहा कि तुम्हें कोई शेयरिंग की जरूरत नहीं है, और दो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया परमानेंट और एक शेयर कर लिया, तो इसके हो गए आठ पूरे। यस, कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट लास्ट वाला। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आठ होता है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p के अंदर 4 होते हैं, होते हैं। यस सर, इसको जरा एक्सपेंड करेंगे 2px 2py और 2pz, तो यहाँ पर हम दो दिखाएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 2, ठीक है, ये लास्ट शेल मैंने एक्सपेंड कर दी, इसकी एक्साइटेड स्टेट लगा दी। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अभी यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें कर दिया जीरो, और ये वाला इसमें डाल दिया, खुद का इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, जिससे इस ऑक्सीजन के पास में, ये नीचे वाली इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर हो गए कि नहीं? यस सर, यस सर, ये थ्री लोन पेयर्स हैं इस ऑक्सीजन के पास। अब ये खाली ऑर्बिटल हो गया, अब जो दूसरी ऑक्सीजन थी, दूसरी ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ये एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन परमानेंटली एक्सेप्ट कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ये ऐसा बॉन्ड बन गया। क्लियर है, समझ में आ गया क्या हुआ? यस सर, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। अब इसका, इसको फायदा क्या हुआ, तो आपने इसका फायदा अगर देखा हो, 2s में 2, 2px, 2py और 2pz, 2pz में 0 थे इसके, ठीक है, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, ये सारे 2-2 थे, ये खाली था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 थे, ठीक है, ये 2-2 थे, एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक शेयर कर लिया, तो इसके यहाँ भी 2 हो गए, तो इसको फायदा ये हुआ कि इसके सारे ऑर्बिटल भर गए, है ना, फायदा हो गया इसको, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, सारे ऑर्बिटल भर के देख लेना। भले ही इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया जो अनस्टेबिलिटी को लीड करता है, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर O2 से ये शेयर तो कर ही नहीं सकता था, वो पहले से बेचारा सेटिस्फाइड बैठा है, तो इसने क्या किया कि भाई तू मेरे साथ शेयरिंग नहीं कर रहा, तो मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, समझ गए, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है इसलिए छीनेगा, अगर ना चाहिए हो तो नहीं छीनता, फिर यह अलग ही रहता। अब इस ऑक्सीजन के साथ तो गड़बड़ होगी ना बेचारे के साथ, बहुत बड़ा धोखा हो गया, हमें लगेगा यार ये ऑक्सीजन अब अनसेटिस्फाइड हो गया, नहीं, इसके साथ भी अनसेटिस्फैक्टरी ज्यादा नहीं है। देखो ध्यान से, इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो इसी के काउंट होंगे ना। यस सर, तो देखो चार इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक लोन पेयर ये बचा हुआ है और दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 4, 2, 6 और 2, 8, इसके भी 8 पूरे हो रहे हैं, यस और नॉट? यस सर। हालांकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, 8 तो बेचारे के पूरे हो रहे हैं बट इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हो गया। पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल नहीं होता, नेगेटिव भी स्टेबल नहीं होता, कोई भी एटम नहीं चाहता कि मेरे ऊपर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी एटम ये भी नहीं चाहता कि उसका ऑर्बिटल खाली हो, तो इसके ऑर्बिटल तो खाली नहीं है, अच्छी बात यह है कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है इसके, लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब अजीब चीज लगेगी ना कि सारे इलेक्ट्रॉन भी है फिर भी पॉजिटिव है, और उसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी नेगेटिव है, क्यों भाई? ये शेयरिंग का कमाल है, शेयरिंग में ऐसा हो सकता है,
समझ में आ गया, क्योंकि शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होते हैं, है ना, क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से दोनों ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होते हैं, और जो तीसरा ऑक्सीजन है वो तो है ही सेटिस्फाइड, उसका कोई चक्कर ही नहीं है, क्लियर है? यस सर। तो देखो इस ऑक्सीजन के तो दो लोन पेयर पड़े हैं और ये दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके तो आठ वैसे ही पूरे हो रहे हैं, ये तो बेचारा बिल्कुल ठीक बैठा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो भाई इस तरह से बनता है O3 का मॉलिक्यूल, बन गया O3 का मॉलिक्यूल। यस सर। अब देखिए जरा, अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, हालांकि इसके आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगी ये, यस और नॉट? यस सर। तो ये अब क्या करती है, और दूसरी नीचे वाली ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेगी, भाई नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगी, है ना? यस सर। तो अगर अगर ये ऐसा करे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस दे दे, इस एक एरो का मतलब होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके वापस आ जाएंगे, O2 का मॉलिक्यूल वापस बन जाएगा, बट ये अकेला रह जाएगा, ये अकेला रह गया, जो कि ये स्टेबल नहीं होगा, तो ये वाला चांस तो नहीं होना चाहिए, ये केस नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, ये इससे इसका लोन पेयर ले लेता है, कहता है तूने मुझे अनसेटिस्फाइड किया तो मैं तेरे साथ बॉन्ड तो बना रहा हूं बट तेरा लोन पेयर ले ले लूं। इससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और फिर शेयर कर लिया, तो इस ऑक्सीजन का डेफिनेटली पॉजिटिव चला जाएगा ना, और इसका नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये बात समझ में आई? दोनों में डबल बॉन्ड बन गया, तो ये तो कहानी बहुत बढ़िया होगी, दोनों डबल बॉन्ड बना ले और दोनों सेटिस्फाइड हो गए, यस और नॉट? यस सर। यस सर। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हुई पता है, बीच वाले ऑक्सीजन के, हाँ बेटा, बीच वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, चार तो ये हो गए बॉन्ड, दो बॉन्ड है, चार इलेक्ट्रॉन, चार ये हो गए आठ, और दो एक लोन पेयर है, दस हो गए। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं, आप क्या आएगी, 1s2 2s2 2p में 4 होते हैं, तो 2px 2py 2pz, तो देखो तीनों में दो दो भर दूं तब कितने हुए भाई, 8 10 हो गए, 10 हो गए, ठीक है? तो यानी के 2s2 2px2 2py2 2pz2 सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो ये 8 और 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो बढ़िया नहीं हो गया, है ना? लेकिन इस ऑक्सीजन पे फिर 2 नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 2 नेगेटिव इज नॉट दिस, यस सर। अब इसके पहले पॉजिटिव हुए, अब याद रखना इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, कैसे शेयर कर रखे हैं वो बता देता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 4 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयर कैसे किए हैं वो देखो, ऑक्सीजन क्या करता है, दो बॉन्ड यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो एक दो बॉन्ड तो बना लेता है, डबल बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन के साथ, बन गया, है ना? और इसमें भी एक होना चाहिए और इसमें भी एक होना चाहिए, और डबल बॉन्ड बन गया यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ, ऐसा हुआ ना, यही हम कर रहे हैं, है ना? अब जरा ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, ठीक है? तो अब देखो हो क्या रहा है, यानी कि अगर अब एक्चुअल में इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम काउंट करें तो 4 और 2 6, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, होना चाहिए 2 पॉजिटिव, क्योंकि शेयरिंग से पहले 2 पॉजिटिव चार्ज था इसका मतलब, या फिर अगर हम ये मान लें कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज है, ये बात समझ में आई? यस सर। किसी भी तरह से ये चीज पॉसिबल नहीं है, 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं, या फिर इसे ऐसे कह लीजिए, अगर ये चीज थोड़ा कम समझ में आएगी मैं जानता हूं, या फिर इसको हम ऐसे मानेंगे कि भाई ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 10 इलेक्ट्रॉन तो भर ही नहीं सकते हैं, है ना? ये समझ में आया? ऑक्सीजन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स को कहां फिलअप करोगे, हमने जो 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए थे वो कैसे हो गए फिर, 1s2 2s2 2p के अंदर, यहां 2px 2py और 2pz, वो हमने ऐसे किए थे, 2 2 2 सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो इसने कोई बॉन्ड तो बना ही नहीं रखा, बना रखा कोई बॉन्ड क्या? बना नहीं रखा है बॉन्ड, तो यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप कर देते हो तो ये उसके बाद में बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, तो ये बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए, मतलब चारों के चारों बॉन्ड खत्म कर दो, बट ऐसा नहीं, इसने बॉन्ड भी बना रखे हैं, तो इस वजह से यानी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात। तो होगा क्या फिर, फिर ये होता है कि जब ये अपना लोन पे डोनेट करता है तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास यहाँ वापस चला जाता है। अब जरा देखना, ये वाली ऑक्सीजन सेटिस्फाइड थी पूरी की पूरी, लेकिन अब क्या होगा,
अब सीन पलट जाएगा, ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ बना देते हैं इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, एक सिंगल दो लोन पेयर, और ये तीसरा लोन पेयर बन जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, हम कहेंगे एक तो इसके पास ऑलरेडी था, एक एक्स्ट्रा गया, तो इसलिए इस पे नेगेटिव। यस, ये समझ में आया? यस सर, यस सर। इलेक्ट्रॉन का हिसाब बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन थे, अब और पॉजिटिव चार्ज था पहले से, तो इस पे एक और पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन चला गया इसका तो। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाली ऑक्सीजन से जिसके पास में तीन लोन पेयर थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने अब इसको डोनेट कर दिया, कर दिया डोनेट एक इलेक्ट्रॉन। यस सर, जिससे इसका नेगेटिव जो था वो चला गया, इसका नेगेटिव चला गया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। बट वो एक्स्ट्रा लेने से पहले, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट भर जाता है और ये सारे बॉन्ड तोड़ देगा अगर ऐसा करेगा, तो क्या होता है कि ये दूसरी ऑक्सीजन को दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से दूसरी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ गया, तो इस पे एक पॉजिटिव बना रह गया। समझ में आ गया? यस सर। और ये अनस्टेबिलिटी लगातार चलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव फिर से इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके बाद फिर से 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी ये सारे बॉन्ड तोड़ देगा। बट ये पॉसिबल ही नहीं है, सारे बॉन्ड नहीं टूटते हैं, इसका मतलब ये वाला वापस लोन पेयर यहां वापस आ जाता है, पहले वाली कंडीशन फिर से आ जाती है। ये समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अब ध्यान दो, हमने रेजोनेंस चला दिया, पाई बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, वही घूम रहा है, कभी इस एटम के पास, कभी उस एटम के पास। क्लियर है? यस सर, यस सर। रेजोनेंस कर लिया हमने, बात खत्म। इसको याद करना पड़ेगा, क्यों भाई? एटम ऐसा करता है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी समझ में आई होगी भाई, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर हम कहें कि फिर ये O3 ने O तीसरा ऑक्सीजन जोड़ा ही क्यों O2 ने, वो जबरदस्ती जोड़ा गया था, जबरदस्ती जोड़ गया और वो स्टेबल नहीं था, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ने रोटेट करना शुरू कर दिया तो वो स्टेबल हो गया। यस, क्लियर है? yes, चलो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मजेदार एग्जांपल बताता हूं रेजोनेंस का, आपको बड़ा समझ में आएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, स्टेबिलिटी इससे ज्यादा कैसे हो जाती है। मान लीजिए एक क्लास में यहां 10 बेंच रखे हुए हैं, 10 बेंच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है भाई। हर बेंच पर दो ही बच्चे बैठ सकते हैं, दो ही बच्चे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 20 बच्चे बैठ गए। यस सर, है ना, 20 स्टूडेंट बैठ गए। अब एक और नया स्टूडेंट आ जाता है क्लास के अंदर, 21 स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है। बट क्लास में बेंच 10 ही है, तो वो कहां बैठेगा, कम से कम एक बेंच पर तीन बच्चे बैठाने पड़ेंगे। यस यस सर, यस सर। तो मान लीजिए कि मैं टीचर हूं, मैं कह देता हूं भाई पहले बेंच पर तीन बच्चे बैठेंगे, तो पहले बेंच पर ये जो दोनों बैठे हैं, अब इनको भीड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर, क्योंकि उस बेंच पर दो से ज्यादा बच्चे बैठ तो सकते हैं, बट थोड़ा टाइट हो जाएंगे वो, तो डेफिनेट सी बात है इस बेंच पे हो जाएगी भीड़, जिसकी वजह से ये दोनों क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, या खुद दुखी हो जाएंगे, या तीनों एक दूसरे में दुखी रहेंगे। अब मैं ये कहूं कि इसका सॉल्यूशन ढूंढूं, तो मैं कहूं कि देखो भाई 10 बेंच हैं, और सारा दिन में 10 नहीं, हम 9 बेंच लगाते हैं सपोज, ठीक है। तो 9 × 2 = 18 बच्चे होंगे, है ना, एक बच्चा एक्स्ट्रा आ गया, 19 बच्चे हो गए। अब मैं कहता हूं कि भाई देखो ऐसा है, 9 लेक्चर लगते हैं स्कूल में और 9 ही बेंच हैं, तो हर जो पहले बेंच पर जो बच्चा बैठेगा वो अगले लेक्चर में क्या करेगा, दूसरे बेंच पर बैठ जाएगा, पीछे जाएगा, तो ये बच्चा यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, और इस तरह से क्या होगा कि, अब जरा ध्यान दो, इस तरह से क्या फायदा होने वाला है कि इस बाकी के बच्चों को रिलैक्स मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। बाकी सबको सिर्फ एक पीरियड के लिए, एक लेक्चर के लिए उनको तीन बच्चों को बैठना, उसके बाद में वो पूरे दिन सिर्फ दो ही बच्चे बैठेंगे, तो उनको रिलैक्स मिल गया। लेकिन जिस बच्चे को बार बार दूसरे बेंच पर जाना पड़ रहा है, वो तो बेचारा तीन के साथ ही बैठा रहेगा हमेशा। यस सर, यस सर। उसकी तो फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो फिर एक और सॉल्यूशन निकाला गया, क्या निकाला गया कि यहाँ जो बच्चा बैठेगा, अब ये वाला बच्चा यहाँ नहीं हटेगा, अब ये हरे वाला बच्चा यहाँ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इन दोनों में से कोई जाएगा, वो नहीं जाएगा। समझ में आ रही है? यस सर। यानी पूरा दिन में एक बच्चे को जो पहले वहां पर बैठ गया तीन बच्चों में, और दूसरा, मतलब दूसरा बच्चा जाएगा कोई और, वो तीन बच्चों के साथ बैठेगा, पहले बच्चे को अब सारा दिन रिलैक्स मिल जाएगा और रेड वाले को, लेकिन दूसरे बच्चे को दो लेक्चर्स के लिए गड़बड़ होगी उसकी,
हो गई ना दो बच्चों दो लेक्चर के लिए गड़बड़, क्लियर है? उससे नेक्स्ट वाले को भी दो, मतलब लगभग हर रोज दो बच्चों को, हर रोज दो बच्चों को क्या होगा, दो लेक्चर, तीन बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा कम से कम दो बच्चों को, है ना? मतलब दो लेक्चर हर रोज, दो नहीं नौ बच्चों को, नौ या आठ जितने भी बनेंगे, नौ बच्चों को तीन लेक्चर्स के लिए, तीन दो लेक्चर्स के लिए तीन तीन के ग्रुप में बैठना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इससे क्या होगा कि लगभग सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी और वो रिलैक्स हो जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, वो शिकायत भी नहीं करेंगे घर जाके। वरना अगर तीनों बच्चे एक साथ बैठे रहे पहले ही बेंच पर फिक्स हमेशा, तो नया बच्चा जाते ही घर बोलेगा कि इस स्कूल में तो बैठने के लिए जगह नहीं, मेरे को तो तीन बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। या फिर पुराने बच्चे भी बोलेंगे कि हमें तो फंसा दिया सर ने, हमारी तो सीट ही फिक्स कर दी और तीन बच्चों के साथ, तो दोनों गड़बड़ है। तो इसलिए अगर टीचर ऐसा रोटेशन करे तो किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी लीड करेगी, वो घर पे जाके शिकायत भी नहीं करेगा। यही काम यहाँ होता है रेजोनेंस में कि बार बार वो रोटेट, ये मॉलिक्यूल इनस्टेबल था, अनस्टेबल, बट वो रोटेशन की वजह से उसने टॉलरेट कर लिया। ये टॉलरेशन है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल पर अब टॉलरेबल हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं था। O3 का मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, हालांकि इतना स्टेबल नहीं है, ये ऊपर हाइट पर स्टेबल होता है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डलती है सन की, लेकिन नीचे ये स्टेबल नहीं है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो रेजोनेंस समझ में आया होगा, रेजोनेंस कैसे काम करता है कि बच्चा अपनी सीट बदलता रहता है, सीधी सी बात ये, यही रेजोनेंस है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आपको रेजोनेंसिक दोनों स्ट्रक्चर रट्टा मारने पड़ेंगे कि वो कैसे चेंज करते हैं, कैसे एक्सचेंज होता है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। याद रख लेना, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, नेवर थिंक अबाउट दिस कि आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, ये आपको बना बना के देखना पड़ेगा। रफ कॉपी साथ में रखिए और इसको बना के देखिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे साफ साफ स्ट्रक्चर, अब आपको ये दिख रहा होगा, है ना? और इसी स्ट्रक्चर को नीचे, ये देखिए एरो डाल के मैंने नीचे बना दिया, ठीक है? तो ये अपोजिट स्ट्रक्चर हो गया दोनों का, ये क्लियर हो गया? यस सर। यस। अब ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इन्हीं को रेजोनेट स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। ये दो से ज्यादा हो सकते हैं भाई, इसमें दो ही बेंच थे इसलिए दोनों बच्चे आपस में रोटेट कर रहे थे, एक बच्चा कभी इधर कभी इधर। अगर दो से ज्यादा बेंच हो, जैसे मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया कि 10 बेंच है, तो एक बच्चा उठ के तीसरे बच्चे मतलब तीन के पेयर में बैठता रहेगा, बैठता रहेगा, बैठता रहेगा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? तो ऐसे करके इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये दो से ज्यादा हो सकती है, मिनिमम दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा हो सकती है, तीन चार पांच कितनी भी हो सकती है। अब बात आती है, क्या सच में ये कंडीशन होती है? हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया पहले दो ऑक्सीजन के बीच में, फिर एक सिंगल ऑक्सीजन के बीच में, इसको बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये रियल नहीं होते। अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसा होता है, और अब मैं बोल रहा हूँ रियल नहीं होते। क्यों? इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से चेंज होते हैं, इतना स्पीड से कि आप यहां जो बना रहे हो ना बेटा, ये जो बना रहे हो, ये बनने बनाने बनाने में ही वो करोड़ों बार चेंज हो जाते हैं, करोड़ों बार। तो आपने तो फिक्स कर दिया इसको थोड़ी देर के लिए, है ना? समझ में आई? तो ये सच नहीं है, इलेक्ट्रॉन इतना फास्टली मूव करते हैं कि वो हम कह ही नहीं सकते कि इस टाइम पर एक सेकंड के लिए भी यहां डबल बॉन्ड है, या एक सेकंड के लिए भी वहां डबल बॉन्ड है। दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड घूम रहा है, कभी तो इन दोनों के बीच में है, कभी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाता है ना? तो ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्गली चेंज होता है कि हम कह सकते हैं कि दोनों जगह पर है। जैसे पंखे के पंख घूमते हुए नजर आए सबको, फैन के पंख देखे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि तीन पंख कौन सी जगह पर है, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कौन सी साइड में है? नहीं कह सकते। क्या होता है भाई, हमें जब दिखता है पंखा घूमता हो, तो पूरे गोल राउंड में हमें दिखता ना कि पूरे गोल राउंड में ही पंख है, हर जगह पर है। यस यस सर। यस सर। तो यहां पर भी ऐसा ही है। मैं ये कह दूं कि डबल बॉन्ड दोनों एटम्स के बीच में है, तीनों एटम्स के बीच में, तो आपको लगेगा अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक टाइम पे एक ही होगा। बिल्कुल, पंखे के फैन के पंख भी तो एक टाइम पर एक ही जगह पर होंगे, तो बताओ कहाँ है? जब तक आप बताओगे तब तक तो पलट चुका होगा, है ना? यस सर। तो यहाँ पर भी ऐसा, और ये तो फैन तो बहुत स्लो स्पीड में घूमता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो आपको पता है, आपने पढ़ी थी ना सेकंड लेसन के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड, है ना? हम पढ़ते हैं ना कि वो रोटेशन कितना करता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है वी नॉट इक्वल, याद होगा? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा था या नहीं बताइए भाई। यस सर। है ना, पढ़ा तो था। वेलोसिटी मतलब वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, लॉ ऑफ 10 रेज की पावर में वेलोसिटी आती है, तो लाइक दैट। तो यहां से अब आपको ये पता लग गया कि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो फिर इसको बनाते क्यों है, ये रियल नहीं है? तो भाई इनके बिना काम नहीं चलेगा। जब आप मैकेनिज्म दिखाओगे तो आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है और इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूम रहा है, तो आप कैसे कह सकते कि इलेक्ट्रॉन उधर था या इधर था? तो आपको एक स्टेबल जगह दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर उस जगह पर पर्टिकुलर दिखा दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पर्टिकुलर रहता नहीं है। तो आपको दोनों स्टेबल जगह दिखानी पड़ेंगी, एक बार यहां था एक बार यहां था। दिखा तो दिया बट ये रियल नहीं होती, इसलिए लिखा हुआ है नॉट रियल। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रियल नहीं होते। क्लियर है? यस सर। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो रियल स्ट्रक्चर फैन के पंख के जैसा। ये डॉटेड लाइन मैंने इसके बीच में भी लगा दी, इसके बीच में, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर भी घूम रहे हैं और इधर भी घूम रहे हैं लगातार। ये समझ में आ गया बेटा? ये इधर भी हैं और इधर भी हैं, जैसे फैन के पंख होते हैं। तो अब मैं कहूं कि डबल बॉन्ड यहां है और यहां भी है, ऐसा नहीं। आधा बॉन्ड यहां पर है, आधा बॉन्ड यहां पर है, और एक बॉन्ड ऑलरेडी ये बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं वन एंड हाफ बॉन्ड यहां है और वन एंड हाफ बॉन्ड यहां है। क्लियर है बेटा? सर एक बार और बता देना। ठीक है, बताता हूं। देखिए क्या हुआ, यहां क्या होता है, आप इस चीज को देखिए कि ये आधा बॉन्ड मैंने कैसे दिखा रखा है। आधे बॉन्ड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ में मैं ये कह सकता था एक डबल बॉन्ड यहां पर है एक टाइम के लिए, ठीक है? तो क्या होगा कि यहां पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? और यहां पर क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड परमानेंट हो जाएगा, और नहीं, यहां डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं, सॉरी, यहां सिंगल बॉन्ड होगा और ये सिंगल बॉन्ड ऐसे बनेगा, यानी कि इसके ऊपर वन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही स्ट्रक्चर था अपना, है ना? मैंने कहा कि फैन के पंख के जैसे होते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड यहां पर भी है और यहां पर भी है, जैसे फैन घूमता है ना, और वो कहीं पर भी होता है, हर जगह होता है। तो भाई एक डबल बॉन्ड दो जगह तो नहीं हो सकता, तो हम ये कह दें कि और एक नेगेटिव चार्ज भी दो जगह नहीं हो सकता, तो हम ये कह दें आधा नेगेटिव इधर है आधा नेगेटिव इधर है। तो बॉन्ड क्या है, आधा बॉन्ड यहां पर है और आधा बॉन्ड यहां पर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर एक टाइम में और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भिन भिन आ रहा है ऐसे करके, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन इधर और एक ही इलेक्ट्रॉन इधर है। यस, ये कह सकता हूँ। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो दोनों ऑक्सीजन पर आधा आधा नेगेटिव चार्ज है और वन पॉजिटिव इसके ऊपर है। क्लियर है? ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ना, O3 का, O3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने क्या किया, आधा नेगेटिव इधर है आधा नेगेटिव इधर है, और मैं क्या कह सकता हूँ, आधा बॉन्ड इधर है आधा इधर है और एक बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, यानी कि 1.5 बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों में, और इन दोनों में इनमें भी 1.5 है। सीधी बात, समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये बॉन्ड रोटेट कर रहा है, भी ऐसे ऐसे रोटेट दिखाते हैं, तो इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन तीन एटम्स के बीच में घूम रहे हैं। तो आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन में तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ आधा नेगेटिव इसके पास आधा नेगेटिव इसके पास, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ एक पूरा नेगेटिव होता था जिसके पास सिंगल बॉन्ड है, जिसके पास डबल है वो न्यूट्रल होता था, लेकिन यहां पर अब दोनों के पास सिंगल है और डबल बॉन्ड वाले दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, दोनों के पास एक एक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आधा नेगेटिव इसके पास आ गया आधा इसके पास आ गया। क्लियर है? Yes, sir. और ये बन गया, इसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंट हाइब्रिड। असली स्ट्रक्चर यही होता है, असली वाला, ठीक है? ये रियल स्ट्रक्चर है, बट इस स्ट्रक्चर से मैकेनिज्म नहीं कर सकते आप। मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन कहां दिखाओगे आप? एक इलेक्ट्रॉन से मैकेनिज्म नहीं होता, दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है? कभी कभी एक भी घूमता है लेकिन जनरली दो घूमते हैं। तो भाई आप रेजोनेंस हाइब्रिड से कुछ दिखा नहीं पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और आपको इससे बॉन्ड ऑर्डर का पता लगता है कि ये ना सिंगल है ना डबल है, ये इनके बीच में आ रहा है, वन एंड हाफ है, क्योंकि दोनों तरफ घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, एक बार इधर डबल हुआ एक बार इधर सिंगल हुआ, इधर डबल इधर सिंगल, तो आप एवरेज लोगे ना दोनों की, एवरेज क्या आएगी? Yes, sir. है ना, वन एंड हाफ आएगी। एवरेज कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगा। Yes, तो इस तरह से डेढ़ बॉन्ड बन गया दोनों ऑक्सीजन के बीच में, और ये होता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड ही असली स्ट्रक्चर होता है। हम जो बनाते हैं वो एक्चुअल में ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पर डबल बॉन्ड हम दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है कभी भी, है ना? और वन एंड हाफ बॉन्ड दिखाएंगे तो उससे मैकेनिज्म में अपना काम नहीं चलता। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जब एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर
किसी मॉलिक्यूल के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन ना कर सके तो एक से ज्यादा लेविस डोट स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देखो एक से ज्यादा दो बने हुए हैं, इसमें दो है, और इन्हीं लेविस डोट स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये रियल नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये ना तो वो है पूरा ना ये है पूरा। तो रियल कौन सा होता है? रियल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, उस स्ट्रक्चर को जो असली स्ट्रक्चर है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर है? और वो स्ट्रक्चर उन दोनों या जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं उनका इंटरमीडिएट होता है, वो उन सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड से आप दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के देखो, आपको लगेगा हाँ ये दोनों इसी स्ट्रक्चर से बन सकते हैं, आसानी से बन सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो रियल स्ट्रक्चर होता है, आप इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ोगे रेजोनेंस के बारे में। हम देखो यूज तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड सिर्फ नाम के लिए है, पर याद ये भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे तो आपको रेजोनेंस हाइब्रिड की याद आएगी। हालांकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से भी निकल जाएगा, बट रेजोनेंस हाइब्रिड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस होना चाहिए, याद काम कहीं नहीं आएगा। ठीक है, बट दिमाग में होना चाहिए। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो कि रियल नहीं है पर काम सबसे ज्यादा ये आते हैं। समझ में आ गया अभी सबको? यस सर। तो आपको आने ही चाहिए क्योंकि काम इन्हीं से चलने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए जरा यहां पर इन्होंने कुछ दिखा रखा है कि रेजोनेंस इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, थ्री और मोर एटम्स, तीन या तीन एटम्स के बीच में, कम से कम दो एटम्स होंगे ना, तीन एटम्स होंगे जिसके बीच में ये रेजोनेंस घूमेगा, कम से कम तीन एटम्स होंगे, है ना, इसके बीच में घूमेगा, इसके बीच में, तो ये एक दो तीन, तीन एटम्स, कम से कम तीन या तीन से ज्यादा एटम्स। हाँ बेटा, जैसे हम रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो तीनों बनाएंगे। हाँ, हाइब्रिड ना भी बनाओ लेकिन बाकी दोनों बनाने पड़ेंगे, दो कैनोनिकल फॉर्म। O3 के मॉलिक्यूल में सिर्फ दो थे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम उनकी भी बात करेंगे। बहुत सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं और वो स्ट्रक्चर ही याद रखने पड़ेंगे आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट काम इसमें रेजोनेंट स्ट्रक्चर ही याद रखना है, जब वो याद रह जाएंगे तो सब आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन आर रिलेटिव्स लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, हैंस इजीली डीलोकलाइज। ये डीलोकलाइज हो सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उनको लूजली पैक रखता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड भी हम कर चुके हैं, या अब आपको समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कुछ फीचर दिखा रखे हैं, सब बकवास है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई निशान नहीं लगा रखा, जो बता दिया वही सही है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है टुवार्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड, ये भी बकवास लाइन है, कुछ फायदा नहीं है। रेजोनेंस के करेक्टरिस्टिक्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, काल्पनिक होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। यस यस सर। रियल नहीं है तो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, फिर बनाते क्यों है? क्योंकि काम यही आते हैं, सीधी सी बात है। हवा में तो आप कुछ कह नहीं सकते कि हवा में, हवा दिख नहीं रही तो क्या मानना छोड़ दें? ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया O2, तो O2 तो ऐसी होती नहीं है जैसा मैंने लिखा है, पर इसके बिना काम चल सकता है क्या? इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, है ना, या किसी है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को दिखाना तो पड़ेगा, भले वो हाइपोथेटिकल हो। हाइब्रिड हैज इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जिसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वही असली स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड लेंथ और रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बीच में। वो कैसे होती है इंटरमीडिएट? तो चलिए उसको कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, सीधी कैलकुलेशन थी ये, लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं O3 को? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो देखिए मान लीजिए इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहता हूँ। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। दूसरे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यस यस सर। तो टोटल कितने बॉन्ड हुए? तीन। क्लियर है? यस सर। डिवाइडेड बाय रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने हैं? दो ही है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो इन दोनों एटम्स के बीच में 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसका और इसका निकालना चाहे तो सबका अलग अलग निकलता है, याद रख लेना, और इन दोनों का भी। तो टोटल बॉन्ड काउंट कर लो, दो यहाँ है, एक ऊपर है, टोटल कितने हो गए? तीन। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं? दो हैं, इसका भी 1.5, यानी दोनों एटम्स के बीच में 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये समझ में आ गया भाई 1.5 बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल रखा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैसे होता है। फॉर्मूला नहीं है ये, मतलब टोटल बॉन्ड काउंट कर लो मेथड है ये, और टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। क्योंकि ये देखो इस केस में तो आसान था O3 केस में पहचानना, कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आते हैं उसमें 5-6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो उससे बचने का तरीका यही है।
ठीक है बेटा। अब देखते हैं एक और इन्होंने दिया एग्जांपल CO3 2 नेगेटिव, इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है इन्होंने, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, तो वो कैसे निकला तो देखिए जरा। CO3 का ये स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होता है पता है, ये कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। यस, यहां पर H लगा दो, एक यहां पर H लगा दो, तो ये H2CO3 बन गया, बन गया ना। यस सर, मैंने एच लगा रखा है दोनों तरफ CO3 के, तो H2CO3 बन गया। तो यह दो H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा, ये कार्बोनिक एसिड इसका नाम है, तो अगर ये दो H पॉजिटिव आयन छोड़ दे तो ये कार्बोनेट आयन बन गया, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। आयन है ना, टू नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, CO3 तीन ऑक्सीजन है और एक नेगेटिव यहां है, एक नेगेटिव यहां है, तो टू नेगेटिव CO3 टू नेगेटिव। यस, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। अब ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है भाई, तो ये हमारी हड्डियों में भी बनता है। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, बहुत आसानी से बनाते हैं। हमारे ब्लड में जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड हमारी हड्डियों को ब्लड में लगातार हर रोज हड्डियां घुलती रहती हैं, पता है ये सबको, कैल्शियम घुलता रहता है ब्लड के अंदर, जिसके ब्लड में हड्डियां घुलती हैं फिर वापस रीबिल्ड होती हैं, फिर घुल जाती हैं फिर रीबिल्ड हो जाती हैं, इसी तरह से हड्डियां जिंदा रहती हैं, वरना एक बार बनने के बाद तो वो दोबारा ना घुलें तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा उनका बोन, तो वो घुलता रहता है नया बनता रहता है, घुलता रहता है नया बनता रहता है, सारी उम्र ये साइकिल चलता है। तो ब्लड में कैल्शियम मिलता है हमारे, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। अगर ब्लड में हड्डियां ज्यादा हो, हड्डियां ज्यादा घुल जाए, कैल्शियम ज्यादा हो जाए, तो किडनी स्टोन होने का खतरा होता है उस बंदे को, या फिर उसको कोई चोट लगी हो किडनी पर, या फिर उसे जेनेटिकली पारिवारिक में स्टोन हो, यानी उसका ब्लड ही ऐसा हो जिसमें हड्डियां ज्यादा घुल जाती हैं, तो भी उसको स्टोन हो सकता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। या और ऐसे बंदों को टार्टरिक एसिड जो टमाटर में मिलता है, टमाटर के बीज में टार्टरिक एसिड होता है, भिंडी में होता है, वो चीजें अवॉइड की जाती हैं, उनमें ज्यादा होता है ये उसकी वजह से, या चावल अवॉइड किए जाते हैं कि आप राइस नहीं खा सकते, ठीक है खा सकते हैं लेकिन बहुत कम रेयरली, या फिर प्रिक्वेशन रखिए या फिर उसका इलाज करवाइए तरीके से, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो ये होता है कार्बोनिक एसिड। अब क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में जाती है तो ब्लड के अंदर वाटर मिलता है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुल जाती है, ब्लड में वाटर मिलता है, वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बनता है, हड्डियों का डिसोल्व होना शुरू हो जाता है, हड्डियां ज्यादा डिसोल्व करवाता है ये, समझ में आ गया? यस सर। इससे हड्डियां घुल जाती हैं, तो सोचो आप लोग क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या होता है, शुगर होती है, एडेड शुगर, और जो सिंथेटिक शुगर होती है, बहुत हाई लेवल की शुगर होती है, वो भी आपकी बॉडी को बेवकूफ बनाती है कई बार। सिंथेटिक शुगर ब्लड में घुलती नहीं है, पेट में घुलती नहीं है, मुंह को पता लगा शुगर खा ली, पेट में गई लेकिन वो ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं हुई, तो मुंह को पता लगता है, बॉडी का दिमाग काम करता है, दिमाग बोलता है पैंक्रियाज को, पैंक्रियाज बोलता है ग्लूकागोन को या इंसुलिन को, इंसुलिन सेक्रेट होता है और ब्लड शुगर डाउन हो जाती है, क्योंकि वहां पर ब्लड में शुगर ज्यादा घुल रही है, लेकिन ब्लड में तो शुगर पहुंची नहीं, आपने एक नकली शुगर खा ली, ये भी होता है याद रख लेना। सिंथेटिक शुगर खाने से भी इंसुलिन का सेक्रेशन और नेचुरल शुगर और सिंथेटिक शुगर में डिफरेंस होता है, तो इंसुलिन उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए माइंड की क्लोक, हमारी बायोलॉजिकल क्लोक जो इंसुलिन सेक्रेट करती है वो गड़बड़ हो जाती है, शुरू में पता नहीं लगता, 5 साल 10 साल वो चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होना शुरू हो जाता है यंग एज के बाद, उसके बाद आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डाउन होती है, तो पैंक्रियाज को खराब कर देगी, वो कहेगी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार ये क्या कर रहा है, ये बंदा कभी शुगर लेता है कभी नहीं लेता, जो लेता है वो समझ में नहीं आती कौन सी ली इसने, कितने अमाउंट में ली, तो इंसुलिन सेक्रेट कभी होता है कभी नहीं होता, कभी फालतू में हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ गई, लास्ट में माइंड बोलता है ठीक है, एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं पैंक्रियाज फेल हो जाता है, पैंक्रियाज फेल हो गया उसका इंसुलिन फेल हो गया, कहानी खत्म, शुगर होगी हाई ब्लड शुगर, यानी वो शुगर भी करता है कोल्ड ड्रिंक, समझ गए। उसके अलावा उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए, कीटाणु नाशक वो होता है ना जिसको खेतों में छिड़का जाता है, वो उसमें डाली होती है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतलें धूप में बाहर पड़ी होती हैं पैक करके, बाद में उसको फ्रीजर में रखते हैं शॉप्स में, देखियो तो वो बाहर पड़ी इतनी गर्मी में और वो पानी खराब क्यों नहीं होता, उसमें कीड़े पैदा हो सकते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव की वजह से खराब नहीं होता वो, कुछ हद तक 6 महीने साल की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो तब तक आप उसे धूप में भी रखो खराब नहीं होगा, प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशन होता है उसमें, जीरो न्यूट्रिशन,
कलर कलर होता है अलग अलग, कोल्ड ड्रिंक का कलर अलग अलग है। सोचो उसका कोई एक धेले का फायदा नहीं, फिर भी 100 रुपए की बोतल हम पी जाते हैं, 2 लीटर वाली लेके आते हैं, ऊपर से ठंडा और करते हैं, ठंडी चीज पेट में जाती है, पेट को उसे गर्म करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उससे भी डाइजेशन वीक होता है। सोचो मतलब कितने सारे साइड इफेक्ट हैं। इसकी वजह नींबू पानी पियो, नींबू 100 रुपए में बहुत सारे नींबू आ जाएंगे, 50 रुपए किलो भी है तो 2 किलो नींबू आ गए, किलो के अंदर कम से कम भी 50 नींबू चढ़ जाते हैं। अब 50 नहीं मतलब 100 नींबू है, हर रोज अगर एक नींबू पीते हो तो 100 दिन 3 महीने चलेंगे 100 रुपए एक आदमी के लिए। 3 महीने, 4 आदमी हो तो आप 4 सेट, या 3 आदमी हो 3 पर्सन हो तो यानी 1 महीना 3 पर्सन के लिए काफी है। और वो कोल्ड ड्रिंक 3 आदमी तो 3 दिन में पी जाएंगे और वो महीना चलेगी। नींबू, एक नींबू गिलास पानी लीजिए, नॉर्मल पानी, ठंडा भी नहीं, नींबू निचोड़िए, नमक भी मत डालिए, चीनी भी मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पी लीजिए हर रोज। फायदे क्या होते हैं पता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून को साफ करता है, ब्लड प्योरीफायर का काम करता है नींबू, डाइजेशन को सुधारता है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, लॉट्स ऑफ काफी सारे उसमें मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड होते हैं वो भी ठीक करता है, आपके ब्लड को बेसिक बनाता है। एसिड होता है नींबू लेकिन ब्लड को बेसिक बनाता है, बेसिक बनाने का मतलब कैंसर जैसी डिजीज से भी फायदा कर सकता है अगर आपका ब्लड बेसिक हो गया तो। सोचिए जरा नींबू के कितने फायदे हैं, उधर कोल्ड ड्रिंक का फायदा एक नहीं है, नुकसान कितने हैं, चॉइस इज योर्स। सीधी सी बात समझ में आया, सिर्फ जुबान का यहां तक का टेस्ट होता है, इसके बाद गले में कोई भी चीज नीचे उतरेगी, चाहे शाही पनीर खा लो और चाहे आलू खा लो कच्चा, अंदर जाने के बाद कुछ नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। समझ में आ रही? सिर्फ इस स्वाद के लिए हम कितना नुकसान करते हैं नीचे वाले स्पेयर पार्ट्स का। सोचो शरीर आपका ही है ना, समझ रहे हो बेटा? यस सर। लेकिन नींबू पानी पीना ना ओल्ड फैशन लगता है, किसी को बताएं हम नींबू पानी, मेहमान आ गया नींबू पानी दे रहे हैं, वो भी यूं मुंह बनाता है नींबू पानी, इनके पास पैसे नहीं है। अरे भाई नींबू पानी कितना मतलब बढ़िया है, पैसे में कोई चीज जहर खरीद रहे हो है ना, पैसे में जहर खरीद के उसको पिला रहे हो, अजीब बात है ना। लेकिन ये स्टैंडर्डाइज बन गया, मतलब इसको बोलते हैं परसेप्शन बनाना, साइंस में भी कई बार परसेप्शन बन जाते हैं चीजों के, परसेप्शन होता है कि मैंने सोच लिया यही सही है, बस यही सही है, हम सोचते ही नहीं उसके अलावा। समझ में आ रही बात? तो यानी कि हमें सोचना तो चाहिए, अच्छी चीज अच्छी होती है भले ही वो सस्ती हो। अगर आपको एप्पल नहीं मिल रहा, गाजर खाइए भाई, गाजर सस्ती है एप्पल महंगा है, गाजर में भी वही न्यूट्रिशन है। बादाम नहीं मिल रहा तो मूंगफली खाइए, हालांकि न्यूट्रिशन की वैल्यू और परसेंटेज कम होता है मैं मानता हूं, उतना नहीं मिलेगा, लेकिन महंगी चीज नहीं खा सकते तो सस्ती तो खा सकते हैं ना, गरीब का बादाम मूंगफली होता है सिंपल, तो मूंगफली खाइए। लेकिन हम लोग उस मूंगफली के कुटे हुए पाउडर को, मूंगफली के पाउडर को बोर्नविटा समझकर और उसमें चीनी वीनी डालकर उसको खा सकते हैं, और वो भी 400-500 रुपए किलो आता है वो। लेकिन अगर मूंगफली खाएं 1 किलो में, मतलब 100 रुपए किलो है मूंगफली, 500 रुपए में 5 किलो पूरे परिवार खा ले उसको, तब भी ना खत्म हो, पूरे 15-20 दिन महीना चल जाएगी, महीने से भी ज्यादा 5 किलो मूंगफली, वो नहीं लेंगे हम, वो ओल्ड फैशन लगता है। लेकिन बोर्नविटा पी लेंगे दूध में डाल के, उसमें वही होता है, देखना चेक करके, ज्यादातर तो उसमें कुटी हुई मूंगफली होती है, तेल निकाल के उसका पाउडर बना के आपको खिलाते हैं, बस कंपनियों का टैग लग गया है ना, कुछ खास करते हैं वो लोग। सोचिएगा जरूर, पैसा वेस्ट हम कहाँ करते हैं, है ना। चलिए तो ये कार्बोनिक एसिड की कहानी समझ में आई होगी, है ना। Yes, sir. Yes, तो अब हम यहाँ पर CO3 2- को ले रहे हैं भाई, CO3 2-, ठीक है, कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको, तो एक नेगेटिव यहाँ है एक नेगेटिव यहाँ है, तो ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, इसकी 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है तो इसके 2 लोन पेयर थे, और क्या था, 1 बॉन्ड पेयर, मतलब इसके भी 2 बॉन्ड पेयर पूरे हो रहे थे 2, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे हाइड्रोजन छोड़ के चला गया और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया हाइड्रोजन वाला, इसलिए हो गया नेगेटिव चार्ज 3 लोन पेयर के साथ। सेम इस ऑक्सीजन के पास में 1 हाइड्रोजन था और वो चला गया, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो देखो 2 नेगेटिव CO3। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल, यस सर। तो ये अब क्या करता है, जैसे ही, अब एक चीज याद रखना, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा ना, ये कमाल की बात है, आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं, लोन पेयर भले ही ना दिखाएं बट ये दिखाने बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब अगर आपको आ गया ना एक बार करना, फिर आपके लिए ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाएगी, वरना इलेक्ट्रॉन का हिसाब नहीं आएगा ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगेगी। तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक को अच्छा आगे फ्यूचर देखते हुए आपको ये चीज बता रहा हूँ कि भाई वो हमें करनी है तो इलेक्ट्रॉन का हिसाब तो आना ही चाहिए।
देखो क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, ऑक्सीजन बहुत शैतान एटम है, बहुत शैतान, ये डबल बॉन्ड बनाता तो है सबके साथ, लेकिन जिसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा एक बॉन्ड छीन लेगा, ये इसकी आदत होती है, ठीक है। अब एक बॉन्ड ये छीन रहा है यहां से, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बेचारा मतलब शरीफ आदमी है, तो ये एक बॉन्ड उससे छीन लेता है। अब ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इससे छीन लिया तो होगा क्या, यहां से जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है ना, ये अपना एक लोन पेयर इसको दे देगी, तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सी ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, इसका नेगेटिव चला गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, अब भी टू नेगेटिव है, यस क्लियर है, यस सर। फिर ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड वापस छीनेगी, तो ये वाला नेगेटिव इसको दे देगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये रिवर्स में भी चल सकता है, याद रखना रेजोनेंस को दोनों तरफ चलाते हैं हम, इधर से वापस इधर जा सकता है, बट हम आगे से आगे करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम, हमें ये पता लग सके कि कितने नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनने। तो यहां पर अब ये दोनों नेगेटिव हो गए, नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड छीनेगी तो ये वाली बॉन्ड वापस दे देगी, तो अब क्या हुआ, अब देखिएगा जरा, सी डबल बॉन्ड हो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव, तो ये पहले वाला केस फिर से बन गया, यस सर। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने है इसमें, पहले वाले केस तक बनने के लिए चार लगे, तीन सर, yes, sir. लेकिन ये तीन गिने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि चौथा तो वही सेम ही आ गया, क्लियर है बेटा, यस सर। तो इस तरह से ये तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है, कौन, CO3। तो याद रखिएगा जो पहले वाला और चौथे वाला वो सेम है, तो मतलब उसको एक ही काउंट करोगे, तो देखो एक ये बना दिया मैंने, सारे इलेक्ट्रॉन का हिसाब करके एक ये बना दिया, फर्क क्या किया, बस डबल बॉन्ड दूसरी तरफ ले आया। अगर आप ध्यान दोगे तो आप कहोगे इसको बस इधर लिखा दिया, बाकी तो कुछ किया नहीं, लेकिन आप एरो को ध्यान दीजिए, बॉन्ड इधर जा रहा है, लोन पेयर इधर जा रहा है, और इस तरह से तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और चौथे वाले के लिए मैंने एरो लगाए और वो वापस नीचे सेम एज फर्स्ट ये लिखा हुआ है, यस क्लियर है भाई सबको, यस सर। तो तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गए, अब मान लो मुझे दो ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड काउंट करना है, तो ये एक बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, यहां डबल बॉन्ड है, यहां फिर से सिंगल बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, चार, चार, यस सर। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है तीन, 4/3, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 ठीक है, सेम एज इट इज, आप बाकी के भी निकाल सकते हैं, इसका और इस कार्बन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ एक बॉन्ड ये है, दो और दो चार, इसमें भी 4/3 आएगा, ऊपर इस कार्बन और ऑक्सीजन का दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये चार बॉन्ड, तो 4/3 इसका भी सेम आएगा, यस क्लियर है। तो सबका इसने 4/3 1.33 निकाल रखा है, क्लियर है भाई सबको, यस ठीक है। तो ये था आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आए हैं, दोनों को अच्छे से ध्यान से जरूर कर लेना और याद कर लेना, आगे ऑर्गेनिक में बहुत सारे आएंगे, ठीक है, और ये याद होने चाहिए। उसके अलावा भी कोई और स्ट्रक्चर आता है, नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कीजिएगा, हम उसको बनाएंगे और वो भी याद कर लेना, ठीक है, याद ही करने पड़ेंगे, देखने में आसान लगता है बट बनाए भी नहीं आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ड्रैगो रूल, ड्रैगो रूल देखिए भाई, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस फॉर कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड। अब ये क्या कहानी है इसकी, ड्रैगो रूल की, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है थर्ड पीरियड और उससे नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल्स में नहीं होती है, यही है ड्रैगो रूल, क्लियर है भाई। क्या मैंने इसको, अरे ड्रैगो रूल और बैक बॉन्डिंग का, रुकिए मेरे पास एक और फाइल होनी चाहिए जिसमें ड्रैगो रूल को मैंने अंडरलाइन कर रखा था बेटा, देखता हूं मैं, ठीक है, फिर आपको उसी फाइल से डायरेक्ट करवाएंगे ताकि आपको पता लग जाए, सिंपल हो जाएगा आपके लिए, हुआ ना, ठीक है, ठीक है, मिल गई मुझे, ठीक है, हम उसी को उसी फाइल से करेंगे इसको, तो देखिए भाई अब जरा ड्रैगो रूल देखिए, ड्रैगो रूल क्या कहता है, यहां नीचे उसके अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल मैंने बना रखी है, थर्ड पीरियड का क्या मतलब है, तो देखिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये आएगा, ये एल्कली मेटल्स आ गई है ना,
फिर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल, और देखिए पहला पीरियड दूसरा लिथियम बेरिलियम वाला, तीसरा मैग्नीशियम वाला, फोर्थ पीरियड आता है ये स्कैंडियम शुरू होता है जैसे डी डी ब्लॉक और जिंक पर खत्म, और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन वाला बोरोन वाला नहीं लिया मैंने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और इन सबके ये मैंने लास्ट वाले एटम सारे के सारे लिख रखे हैं, पीरियोडिक टेबल कुछ कुछ नजर आएगी आपको। क्लियर है बेटा? यस सर। अब इसमें ये क्या कह रहा है, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड, तो देखो इसने क्या लिखा हुआ है, ड्रैगो रूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस फॉर द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले एलिमेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, अगर वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए है तो थर्ड पीरियड कौन सा है भाई, कार्बन के नीचे वाली लाइन जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये हीलियम वाला फर्स्ट पीरियड है, ये है सेकंड पीरियड और ये होगा थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड मतलब सेकंड पीरियड के बाद जो एलिमेंट है वो भी पी ब्लॉक के, और बोरोन वाली लाइन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हो सकता है कि वो कभी एग्जांपल आ जाए लेकिन आपको समझ आ जाएगा देखते, नो वरी। तो ये कहता है सिलिकन जर्मेनियम टिन और पीबी लेड, उसके अलावा फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम क्लोरीन ब्रोनिन आयोडीन एस्ट्राटाइन, ये सभी एलिमेंट डोंट डू हाइब्रिडाइजेशन विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ये ग्रीन से जो ये बना हुआ है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यानी इन एलिमेंट्स में ये एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, ठीक है, किसके साथ नहीं करते, हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल के साथ, क्यों, हाइड्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हल्का है, इसको ऐसे समझ लो आपके घर एक दोस्त आता है, आपका पड़ोसी है, रोज ही आ जाता है, तो आप उसके लिए कोई मतलब स्पेशल चाय वाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ करोगे? नीड नोट है ना, लेकिन एक स्पेशल दोस्त है जो कभी घर आया ही नहीं, ठीक है, और वो अचानक आज मान लो कि सपोज दैट कि वो दिल्ली से बाहर का है, ठीक है, और वो दिल्ली में आ गया और आपको उसने कॉल किया कि यार मैं दिल्ली आया हूँ तो मिलने के लिए आपके घर आ गया, तो आप डेफिनेटली उसके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आओगे? यस सर। यहाँ वैसा ही है, तो हाइड्रोजन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को ये जो सिलिकन जर्मेनियम आर्सेनिक टिन ये जितने भी आपको दिखा रखे हैं थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड वाले तीसरे पीरियड दूसरे पीरियड से नीचे वाले सारे के सारे ये एलिमेंट साइज में होते हैं बड़े, और ये हाइड्रोजन के आने पर अपने अंदर कोई चेंज नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन क्या था कि अपने क्या बोलते हैं उसको ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं, नए ऑर्बिटल बनाते हैं, यही था ना, ये नहीं करते, कहते हैं हाइड्रोजन आ रहा है हमें कोई परवाह नहीं है हाइड्रोजन की, आजा भाई जुड़ जा जैसा है वैसा जुड़, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू तेरा रोज का काम है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जो हल्के हैं, हल्के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हल्के मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में ये लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, उनको ये ज्यादा भाव नहीं देते। कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए जैसे फ्लोरीन जुड़ रहा हो सल्फर से या फॉस्फोरस से तब तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई, लेकिन अगर फ्लोरीन ना जुड़ रहा हो तो हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तब नहीं होगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है फिर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब उस इम्पैक्ट की बात करते हैं कि ऐसा, ये समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है? यस। तो बड़े एटम्स, अब देखिए जरा NH3 नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाए NH3 बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है इसका बॉन्ड एंगल था 107 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल कितना है भाई 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 90 है, क्यों, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है और इसका साइज भी बड़ा हो गया, इसका साइज फॉस्फोरस का बड़ा है, नाइट्रोजन का छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा फॉस्फोरस का बड़ा, जिसकी वजह से बड़ा साइज है तो हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा पास जुड़ सकता है, तब भी वो दूर ही रहेगा, पास जुड़ेगा तब भी दूर रहेगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है, सोचो ये बड़ा एटम है और यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक यहां पर जुड़ गया, अब आप सेंटर से इसका बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो मान लीजिए सेंटर से बॉन्ड एंगल निकलता है 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। बट यहां इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, मान लीजिए ये डिस्टेंस निकलता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक छोटा एटम लिया, छोटा एटम, छोटे एटम के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, एंगल वही रखा 60 डिग्री, तो बताओ जरा डिस्टेंस कितना हो गया, तो 1 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस दोनों के बीच में। यस सर। समझ में आ गया, मतलब एटम छोटा था, अब एटम तो बाहर ही जुड़ेगा ना, ये हाइड्रोजन अंदर थोड़ा घुस जाएगा, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है, ये तो अंदर जाने भी नहीं देगा इसे, ये तो बाहर ही जुड़ता है। यस 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 सर। तो एटम बड़ा होने के कारण,
एटम का साइज बड़ा हो जाता है तो हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, कम होते हुए भी वो वैसा ही है जैसा ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको रिपेल नहीं कर पाएगा। अब हाइड्रोजन अगर बिल्कुल पास जुड़ गए और छोटे एटम के साथ जुड़ गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन बड़ा एटम है और हाइड्रोजन एक यहां जुड़ रहा है और एक यहां जुड़ रहा है तो बॉन्ड एंगल देखो इसका बेचारेगा सेंटर से, ये तो बहुत कम बॉन्ड एंगल है, और इसका बॉन्ड एंगल अगर भले ही ज्यादा रखो, लेकिन सोचो छोटे वाले एटम में भले ही बॉन्ड एंगल आप यहां से ऐसे कर लो, ये अंदर तो बॉन्ड एंगल बड़ा बन गया, इसके बड़ा बन गया ना 90 के आसपास, और इसका एंगल तो 30 के आसपास बनेगा, वो 90 के एंगल के आसपास भी इनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और इसका डिस्टेंस लगभग 1.5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब क्योंकि उसे बाहर जुड़ना होता है और साइज छोटा होने की, साइज सेंट्रल मेटल एटम का साइज बड़ा है तो इस वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। समझ में आ गया बॉन्ड एंगल कम होने का? और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, वो जरूरत नहीं है। यस कृष्णा बेटा बोलिए। सर मेरे क्वेश्चन ये था सर, जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सर बस ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए ही बनाया गया है या और भी कुछ काम होता है? वो है बेटा, वो सच में है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो सच में है। ठीक है, देखिए हर थ्योरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है। इसको ऐसे लगा लो, सपोज दैट आप पहाड़ की चोटी पे बैठे हो, ठीक है, बहुत हाइट पर, बहुत ऊंची बिल्डिंग पर, तो आपको नीचे आदमी जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मान लो कि आप सपोज दैट 50वीं मंजिल पर हो, 50वीं मंजिल पर, और नीचे आपको इंसान जाते हुए नजर आ रहे हैं, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए लेडी और ए मैन? नो सर। नहीं करो सर। आपके लिए दोनों क्या है? इंसान है, तो क्या वो गलत है? आपने इंसान कह दिया तो वो गलती हो गई, इंसान को तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हो। यस सर। है ना, अब मान लीजिए कि आप 50वीं मंजिल से थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए 10वीं मंजिल पर हैं, तो 10वीं मंजिल से तो हम डेफिनेटली मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है? है ना, लेकिन एटलीस्ट क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 10वीं मंजिल से, कि मान लो 10वीं मंजिल से मैंने किसी लड़के को देखा है, ठीक है, उसकी ड्रेस पहचान ली मैंने, लेकिन सेम ड्रेस का कोई दूसरा लड़का आ जाता है जब मैं नीचे आता हूं, तो क्या मेरे को पता लग जाएगा कि ये वही लड़का है? नो सर। नो सर। नहीं पता लगेगा, मतलब अब भी मेरी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी सुधर गई, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई। सबसे नीचे जाता हूं तो सबसे नीचे अब मैं बता सकता हूं कि दो अलग अलग आदमी है, सेम आदमी। अगर सेम ड्रेस 10वीं मंजिल पे मैं खड़ा हूं और सेम ड्रेस दो पर्सन ने पहन रखी है, बेशक मैं जान सकता हूं कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन ये नहीं जान पाऊंगा कि उसने जो, मतलब उन दोनों की शक्लें अलग अलग हैं, सेम है, और कितनी अलग हैं तो मैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन नीचे मैं उनको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ये थ्योरियां भी वैसे ही, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, फिर एमओटी आई, एमओटी के बाद में लिगेंड फील्ड थ्योरी आएगी, एलएफटी, है ना, लिगेंड फील्ड थ्योरी के बाद में फिर से एक और थ्योरी आती है, वो आपके, खैर ये दोनों आपके सिलेबस से बाहर है, वो मास्टर कोर्सेज के अंदर आती है। सभी थ्योरियां अपना कंट्रीब्यूशन सही कर रही हैं, वो बता बिल्कुल सही रही हैं। एक आदमी ने बहुत दूर से देखा, उसने कुछ बात बताई, यार ठीक है इंसान घूम रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, वीबीटी ने, वेस्पर ने जो बताया बिल्कुल सच है, कोई गलती नहीं है, लेकिन उस इंसान को वो डिफरेंशिएट नहीं कर सके कि भाई साहब ये इंसान मेल है फीमेल है। फिर उससे नेक्स्ट थ्योरी आई, उसने मेल फीमेल को डिफरेंशिएट किया, उससे नेक्स्ट थ्योरी आई, उसने शक्लों को डिफरेंशिएट किया, उससे नेक्स्ट थ्योरी आई, वो हाइट भी बता रही है, लंबा पतला मोटा कैसा इंसान है ना, समझ में आ गया सबको। उससे नेक्स्ट थ्योरी आई, वो ब्लड सैंपल चेक कर रही है, ले भाई ब्लड सैंपल दे दे रहा। उससे नेक्स्ट थ्योरी आई, वो कहती मैं तो फिंगरप्रिंट चेक करूंगा, समझ गए, जेनेटिकली पहुंच गया। तो यानी थ्योरियां सभी सही है। अब आप अंदर घुस जाओ, मान लो मेरा जेनेटिकली मेरा ब्लड ए ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दूसरा आदमी उसको शक्ल देख के बता सकते हो ए पॉजिटिव हो? नहीं बता सकते, है ना, तो लेकिन आप उसका ब्लड सैंपल चेक करके, अब कोई नई थ्योरी आ जाए, वो अंदर की कोई बात बता दे जो कि ऊपर से नजर नहीं आती है, तो वो ब्लड सैंपल चेक कर रही है, तो मैं बोल दूंगा पहले वाली थ्योरी में ड्रॉबैक था, लिमिटेशन थी, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लड ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट पर्सन, बट नई थ्योरी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पर्सन ब्लड ग्रुप डिफरेंटली। समझ में आ गया? Yes, यानी हम सारी एक्सप्लेन कर रहे हैं, गलत कोई भी नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मैं मेल हूं, कोई लड़की हो उसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो, तो आप कह दोगे कि नहीं नहीं ये लड़की नहीं ये भी लड़का ही है क्योंकि इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, ये तो नहीं कह सकते, है ना। ब्लड ग्रुप एक अपने आप में अलग आइडेंटिटी है, अलग चीज है, वो किसी एक थ्योरी ने नहीं बताया, लेकिन उस थ्योरी ने अगर ये बताया था कि ये मेल है और ये फीमेल है, वो थ्योरी, वो ब्लड ग्रुप चेक करने वाला भी इस बात को मानेगा भाई कि हाँ ये मेल फीमेल तो है लेकिन इनका ब्लड ग्रुप भी सेम है, ब्लड ग्रुप सेम होते हुए भी ये मेल फीमेल है, क्यों है, उसका कारण फिर कुछ और हो सकता है, तो साइंस ऐसे ढूंढ रही है उसको,
कि ब्लड ग्रुप सेम है दो चीजों का लेकिन वो अलग है। साइंस करिए, अच्छा यार ब्लड ग्रुप सेम है तो अलग क्यों है, अलग होने चाहिए। धक्के काम के क्वेश्चन हैं ये, फालतू के हैं, क्योंकि हमें असली चीज तो पता ही नहीं है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ऐसे लगता है कि एक थ्योरी फेल हो गई दूसरी थ्योरी सही है, बट ऐसा नहीं है। उस थ्योरी ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए वो बिल्कुल सही थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट वो दे ही नहीं पाई और वो दूसरी थ्योरी ने दिए, और फिर दोनों को मिला के कंप्लीट थ्योरी बनी। समझ में आता है? इसलिए इस तरह से फिर तीसरी फिर चौथी, हर किसी ने अपने अपने लेवल से देखा। कोई 50 मंजिल से देख रहा है, कोई 10 मंजिल से देख रहा है, कोई 5 मंजिल से देख रहा है, कोई ग्राउंड फ्लोर से देख रहा है, कोई ब्लड में घुस जा रहा है, कोई फिंगरप्रिंट ले रहा है, कोई डीएनए भी पहुंच गया कि ले भाई ये प्लांट है इसका भी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये एनिमल है इसका भी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, दोनों का डीएनए तो सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, तो दोनों सेम क्यों नहीं है, क्या डिफरेंशिएट है, कुछ तो इनके मॉलिक्यूल में गड़बड़ है, लेफ्ट राइट हुआ है, जिसकी वजह से इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो गया। कोई वहां पर जाके बात कर रहा है। तो जब तक हम डीएनए लेवल पर चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तब तक हम इन थ्योरियों पर धीरे धीरे, सभी थ्योरियां सही हैं लेकिन डीएनए सारी चीजों को रिवील कर देता है। लेकिन डीएनए भी, डीएनए रिवील करने के बावजूद आज भी हम नहीं जानते कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा जीन है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा जीन है जिसकी वजह से मेरी शक्ल ऐसी बनी, ये साइंटिस्ट नहीं जानते। मेरे जैसी शक्ल, लेकिन अगर मान लीजिए मुझसे हाइट में लंबा इंसान चाहिए उनको, तो वो ऐसा जीन नहीं ढूंढ सकते जिसकी शक्ल तो मेरे जैसी हो लेकिन मेरे से हाइट में लंबा हो, ऐसा ढूंढने का उनके पास तरीका नहीं है। तो वो ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, फिर अंदर ऑब्जर्व करते हैं, फिर दोनों को कंपेटिबल करते हैं कि दोनों में क्या चीज सही है क्या बराबर है। मतलब हम अंधों की साइंस कर रहे हैं एक हिसाब से, कि उनको पता तो है, ऊपर से देख लिया अंदर से देख लिया लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। समझ गए बेटा? यस सर। है ना, कुछ ऐसा सा सीन यहां पर भी चल रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, ज्यादातर बच्चे इनको मानते हैं कि यार केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, केमिस्ट्री तो सिर्फ एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अरे भाई, जब तुम्हारी एक थ्योरी सही नहीं है तो वो गलत है, तो उसको पढ़ा क्यों रहे हो? नहीं, बिल्कुल गलत बात, सभी थ्योरियां सही हैं, सभी थ्योरियां सही, कोई भी गलत नहीं। वी आर नॉट रीडिंग हिस्ट्री, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो बेटा कृष्णा। सर मैं पूछ रहा था कि ये कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन का जिमेंटर निकालने के अलावा और कोई काम होता है? हाइब्रिडाइजेशन का भाई इंटरनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कहीं ना कहीं हेल्प करती है, एमओटी भी पढ़ेंगे हम, तो एमओटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कहीं कहीं गिना जाता है, कहीं कहीं नहीं गिना जाता। जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की हमें शेप पता वो अलग हो जाती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक लोब बड़ा एक छोटा होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर है तो उसके कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, प्योर पी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। पी ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेफिनेटली देखो, जब बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं ना, जैसे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो अगर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो पी ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ना यहाँ यहाँ पूरे ऑर्बिटल में घूम सकता है, डीलोकलाइजेशन कर सकता है। यहाँ से डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन वो कब होगा, जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। और कई बार ये होता है कि पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल कर रहा है, ये एक्सेप्शन है वैसे, ठीक है, ये कुछ ही केसेस में होता है, सब में नहीं होता, सब में जनरली पी ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाता और रेजोनेंस दिखाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस दिखा रहा है भाई, डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है, ऐसा भी होता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको शेप तो पता ही होना चाहिए कि इसकी शेप कैसी है, हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है। यस, क्लियर हुआ? यस सर, रुकने की कोशिश कर रहे हूं। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो यानी थ्योरियां सभी सही हैं। अगर आपसे कोई बात करे, और इस तरह के चुटकुले भी केमिस्ट्री पर बहुत सारे बनते हैं कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, एक थ्योरी गलत है, पहले बोलते हैं ये बात सही है फिर बोल देते हैं नहीं नहीं और ये वाली बात सही है, अरे भाई दोनों सही है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ते हैं थॉमस मॉडल, है ना, जे जे थॉमसन मॉडल, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद में बोहर मॉडल, फिर उसके बाद में क्वांटम मॉडल। भाई तुम सारे इकट्ठे बैठ कर बना लो ना, कौन से वाला सही है वही पढ़ा दो डायरेक्टली। अरे भाई सारे सही है, दैट इज द थिंग। ऊपर से देख रहे हो आप, ऊपर से देख रहे हो इंसान दिख रहा है, नीचे आए तो पता लग रहा है मेल है कि फीमेल है, उससे नीचे आए तो और पता लग रहा है कि भाई मेल फीमेल है लेकिन इनकी शक्लें कैसी हैं, उससे और अंदर घुस गए उनके, उनका ब्लड सैंपल लिया, और अंदर घुस गए फिंगरप्रिंट पे आ गए, और अंदर घुस गए डीएनए पे आ गए, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं स्टेप वाइज। समझ में आ गया? यस ठीक है। ये ज्यादातर टीचर्स ना ऐसे बोलते हैं कि ये वाली थ्योरी खराब होगी, देखो ऐसे ये हमें पढ़ना पड़ रहा है। कुछ टीचर तो इसको हिस्ट्री बता देते हैं, ये बता देता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट्स भी मान लेते हैं कि भी हाँ हिस्ट्री तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या, नहीं
हर थ्योरी अपने आप में कुछ ना कुछ सही पॉइंट बता रही है, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। कुछ वो नहीं बता पाई, इसलिए हमने उसको छोड़ के एक नई थ्योरी बना ली। अब हम सारी थ्योरीज को मिला के एक अकेली थ्योरी बना लें कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन जिन साइंटिस्टों ने ढूंढी उनके नाम की मट्टी पलीत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये सबके साइंटिस्टों से अलग, क्योंकि चीजें तो सारी वही पढ़नी है आपको, मिक्स कर दिया तो भी सारी चीजें एक साथ इकट्ठा पढ़ोगे ना स्टेप वाइज। एक ये पॉइंट बना दूंगा, फिर दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट बना दूंगा, पहले लोन पेयर बॉन्ड पेयर का पॉइंट, फिर हाइब्रिडाइजेशन वाला, फिर उसके बाद में मैं एमओटी वाला पॉइंट बना दूंगा। बनाऊं तो तीनों पॉइंट का, पढ़ने तो पूरे ही पढ़ेंगे। उस साइंटिस्ट का बीच में सिर्फ नाम ऐड हुआ है और कुछ नहीं हुआ, तो थ्योरियां तो सारी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमने इनको अलग करते करते इतना अलग कर दिया कि हमें लगता है कि यार ये तो पूरी गलत है, ऐसा परसेप्शन बन जाता है। क्लियर है? चलिए yes, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, बड़ा एटम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, लेकिन इसने ये बोला है कि भाई जो सेकंड पीरियड के नीचे वाले एटम्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते ही नहीं है, ठीक है। डोंट डू हाइब्रिडाइजेशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं करते, मोर वाले के साथ तो करते हैं। तो ये है इसका ड्रैगो रूल का कॉन्सेप्ट। तो यहां बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम, अभी बोलता है मोर देन 2.5 देन द हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम इज पॉसिबल। अगर जो साइड एटम लग रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा हो, ठीक है, हाइड्रोजन की तो 1.2 होती है, 2.5 से ज्यादा मतलब कार्बन से बड़ा होना चाहिए, कार्बन की 2.5 होती है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए तो वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम लेस देन 2.5 तो वो नहीं करेगा। ये उसने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन कब होती है कब नहीं होती, और वो भी थर्ड पीरियड की बात कर रहा है। यानी आप पहले वाला कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनमें से अगर कोई सेंट्रल एटम है ये तो पक्का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, सेंट्रल एटम है तो। लेकिन इनके नीचे वाला अगर कोई सेंट्रल एटम है तो ये नहीं करेंगे, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज्यादा उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं, बट ऊपर वाले तो सबसे करते हैं, उनका कोई चक्कर ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेशन ऑर्बिटल वेरी हाई। एनर्जी डिफरेंस क्योंकि ज्यादा होता है इन दोनों का, इसके पी ऑर्बिटल और इसका, इसी वजह से ऐसा होता है। जैसे बॉन्ड एंगल अमोनिया का ज्यादा, पीएच 3 का कम है, ये मैंने आपको बता दिया, लगभग 90 डिग्री हो जाता है इनका, ठीक है, ये हम नीचे कर ही चुके हैं। अब देखिए, सिंस क्लोजर टू 90 डिग्री, ये लगभग 90 डिग्री होता है, क्लोजर टू 90। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गए? और इस वजह से डज हाइब्रिडाइजेशन, ये करेगा, और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है भाई, तो क्लोरीन तो हाइब्रिडाइजेशन करता है, डेफिनेटली करता है, वही फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक का एंगल 90 डिग्री के आसपास, तो सभी जितने भी ऑर्बिटल है उनका लगभग सबका एंगल 90 हो जाता है, याद रखना, ड्रैगो रूल कहता है सबका एंगल 90 हो जाता है। रीजन अब हम कहें कि 90 क्यों हो जाता है, तो मैंने आपको रीजन बताया, एटम का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन अगर पास भी जुड़ जाएगी, यहाँ 107 ज्यादा है ना बॉन्ड एंगल, दूर जुड़ेंगे, एटम का साइज छोटा होता है तो एंगल दूर जुड़ेंगे, बड़ा होता है तो एंगल पास, यानी हाइड्रोजन पास जुड़ सकता है, क्योंकि वो पास होते हुए भी दूर है एक दूसरे से। यस, क्लियर है? असली रीजन तो ये है। तो देखिए मैं आपको, 1.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने किसकी लिखी है? सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो? सर, ये 1.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने किसकी लिखी है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर एरो है, देखो सर, हाइड्रोजन के लिए 2.1 हो गया, 2.1 ना 1.2 है सर, 2.1 हो गया पक्का, 2.1 तो मैंने गलत लिख रखी है, लेट मी चेक भाई, मुझे देखने दीजिए। यस सर, 2.1 ही होती है, 2.1 ही होती है, फिर मैंने गलत उल्टा लिख दिया, ठीक है बेटा, थैंक यू। तो चलिए भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही करते हैं, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे तो सही नहीं होने वाली है, 2.1 है, ठीक, ये फ्लो फ्लो में शायद उल्टा लिख गया होगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो 2.5 से कम ही है, सीधी सी बात ही है, ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने जिस क्लास को पढ़ाया उनको याद ही नहीं था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ठीक है। तो ये अब समझ में आ गया होगा सबको? यस सर, ठीक है। तो ये है ड्रैगो रूल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो ड्रैगो रूल जो बोर्ड की क्लासेस में नहीं आता, ठीक है, तो मैंने पहली बार बोर्ड की क्लास को पढ़ाया था, ठीक है, उस टाइम पर ड्रैगो रूल तो मेरे सामने आया नहीं भाई। तो जब ड्रैगो रूल नहीं आया तो मैंने उसको साइज के डिफरेंस की वजह से बोन एंगल, ये मैं पढ़ा चुका था कि बोन एंगल डिफरेंस होता है क्योंकि साइज की वजह से होता है, रियल रीजन यही है, बट इस फिनोमिना को, ठीक है, इस फिनोमिना को हाइब्रिड वो बोलते हैं, ड्रैगो रूल बोलते हैं, आई डोंट नो दिस,
मुझे ये नहीं पता था। जब हम क्लोरीन को जोड़ते हैं तो क्लोरीन क्या है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और साइज क्लोरीन का भी बड़ा, फॉस्फोरस का बड़ा, क्लोरीन का भी बड़ा, तो इस वजह से क्या होता है क्लोरीन क्लोरीन को रिपेल करेगा क्योंकि इसके पास तीन लोन पेयर है, जैसे उनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, हाइड्रोजन के केस में छोटा हो जाता है और क्लोरीन के केस में बढ़ गया तो वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। क्लियर है सर? यस सर। ठीक है, तो इसका मेन असलियत में रीजन वो है और उसके अलावा ड्रैगो रूल इसको बोलते हैं, ड्रैगो रूल है, बस इतना ही है इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बात करते हैं, ड्रैगो रूल यहां पर कंप्लीट हो गया, लोअर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब बकवास चीज है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो आप। आगे देखिए बॉन्ड एंगल, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बॉन्ड एंगल जो है PH3 ASH3 Bi एंटीमनी बिस्मथ फॉस्फोरस सभी H3 का अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, ये सबका इक्वल है, क्लियर है, और ये सबका 90 है, इन सब का भी 90 डिग्री है, और इधर ये H2S H2SC H2TE इन सब का भी अप्रोक्सीमेट 90, सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 90 होता है लेकिन H2S का 92 होता है, ये हमें पता है, याद है हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो उस चीज को याद कर लीजिए, लेकिन लगभग सबका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है, याद रखना अप्रोक्सीमेट 90 नॉट एग्जैक्टली 90। क्लियर है बेटा? यस। सर किसी को सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं आ सर की नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है क्या? टाइम हो गया लगता है, टाइम भी हो गया। दस मिनट बाद फिजिक्स की क्लास होगी। हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको क्या? यस सर। यस सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था बेटा। ठीक है, वाईफाई अचानक से बंद हो गया, मैंने फोन से जोड़ा। चलिए ठीक है, मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है तो हम इसको यहीं एंड करते हैं। तो ये बॉन्ड एंगल बस बॉन्ड एंगल जो है वो 90 होता है अप्रोक्सीमेटली सबका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बॉन्ड एंगल्स के अंदर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो पीएच थ्री का ज्यादा होता है, एएच थ्री का कम, उससे कम उससे कम, ये नीचे होता जाता है सबका बॉन्ड एंगल। हमें पता है पीएच थ्री का भी अप्रोक्सीमेट 90 है, तो लगभग सारे 90 के आसपास होते हैं। अब देखिए, ड्यू टू द डिक्रीज इन द रिपल्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम की वजह से ऐसा होता है ना, वो बढ़ जाता है। अब कंडीशन फॉर ड्रैगो रूल है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करें, नहीं इसको कर सकते हैं। लोन पेयर सेंट्रल एटम, कम से कम एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए, एक से ज्यादा लोन पेयर हो, ये कंडीशन है। थर्ड पीरियड या उससे ऊपर वाले पीरियड्स के एलिमेंट ऐसा करते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.45 या उससे ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड एंगल लगभग 90 के आसपास हो, ये हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पीरियड या उससे आगे वाला हो और कम से कम एक लोन पेयर। अब देखो सिलिकन जैसे भी ऐसा करते हैं, सिलिकन फॉस्फोरस हमने पढ़ लिया, सल्फर भी ऐसा करता है, सिलिकन भी ऐसा करता है। ठीक है, तो सल्फर और फॉस्फोरस ऐसा कैसे करते हैं? एस CH3 twice, सल्फर के साथ दो CH3 लगे हो तो सल्फर के ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ी बात आती है पीछे वाले सिलिकन की, सिलिकन के पास तो चार बॉन्ड है,
सीधा सीधा सिलिकन चार बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये कह रहा है कि हम चार बॉन्ड नहीं बना रहे हैं सिलिकन के, बल्कि क्या कर रहे हैं, तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए और एक लोन पेयर रख दिया, चार वैलेंसी थी ना सिलिकन की, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास हो गया नेगेटिव चार्ज और तीन बॉन्ड पूरे हो गए। सिलिकन की टोटल वैलेंसी होती है फोर, कार्बन की तरह, तो चार बॉन्ड, ये चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा था, उसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ जाए तो इसके पास एक लोन पेयर हो जाएगा, और इस तरह से सिलिकन भी ऐसा कर सकता है। तो सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ये एंटीमनी और पीबी लेड एसेंटिन, ये सारे ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने और इसको मैंने वहां वो भी कर रखा है। तो लेविस एसिड, लेविस बेस क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए ऑफ करते हैं, ठीक है, मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, दैट्स इट। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो बेटा। यस, डाउट है किसी को कोई?